एहसान फरामोश तालिबान भारत से करने लगा गद्दारी। पीएम मोदी के एहसानों को भूल गया तालिबानी हक्कानी। जिस भारत का गेहूं चावल खाया उसके लिए बन रहा परेशानी। ना माना तालिबान तो भुगतेगा बुरा अंजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते हर दिन के साथ तनावपूर्ण होते गए। इसकी मुख्य वजह भारत की सरकार रही, क्योंकि अफगान सरकार के साथ भारत के रिश्ते बेहद मजबूत होते गए। भारत और तालिबान दोनों ही एक दूसरे के साथ रिश्ते और आपसी भरोसे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास भी करते रहे। यही वजह है कि कठिन परिस्थितियों में भारत ने हर बार तालिबान की मदद की। अभी इसी साल मार्च में भारत सरकार ने अफगानिस्तान को 20,000 मेट्रिक टन गेहूं भेजा था, जिसके बाद भावुक होते हुए तालिबान सरकार ने भारत की सराहना की थी और हाथ जोड़कर कहा था कि हम भारत के आभारी हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब भारत ने तालिबान की सहायता की हो। इससे पहले भारत ने 2020 में अफगानिस्तान को 75,000 मेट्रिक टन गेहूं की मदद भेजी थी और ये मदद पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर के जरिए भेजी गई थी। इसके अलावा जब तालिबान में बवाल मचा और जनता त्राहिमाम कर रही थी, तब भी भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं, चावल, कंबल, टेंट, दवाइयां भेजी थी। उस वक्त भारत से इतनी मदद पाने के बाद तालिबान गदगद हो उठा था और पीएम मोदी के चरणों में गिरकर धन्यवाद कह रहा था। लेकिन अब यही तालिबान भारत और पीएम मोदी से गद्दारी करने पर उतारू है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने तहलका मचा कर रख दिया है, जिसमें कहा गया है कि तालिबान भारत के खिलाफ ही चाल चलने लगा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा नियुक्त आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी कई आर्थिक परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। खासकर वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन के अफगान खंड के निर्माण पर नियंत्रण करने की मांग कर रहा है। यही वजह है कि तालिबान सरकार में कार्यवाहक आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और कार्यवाहक प्रथम उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर के बीच टकराव हो गया है। दरअसल मुल्ला बरादर दक्षिणी प्रांतीय प्रशासन का समर्थन करता है और लगातार तालिबान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने, विदेशों में अफगान संपत्ति को मुक्त करने और विदेशी सहायता का विस्तार करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने की मांग करता है। जबकि हक्कानी अब अपनी पैठ बढ़ाकर अपने नियंत्रण में सब कुछ करना चाहता है। ऐसे में सवाल है कि तापी गैस पाइपलाइन की वजह से ये तनाव क्यों बन रहा है? क्या है तापी पाइपलाइन योजना? तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के नाम के पहले अक्षर को जोड़कर बनाया गया 1814 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से निकली है और भारत पहुंचने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ने पाइपलाइन के विकास के लिए दिसंबर 2010 में एक अंतर सरकारी समझौते और गैस पाइपलाइन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ, लेकिन अफगानिस्तान में अस्थिरता के कारण काम में प्रगति नहीं हुई। अब एक बार फिर से तालिबान ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जिससे भारत की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बहरहाल देखना होगा कि तालिबान आगे क्या कुछ करता है और उसके बाद भारत उसके खिलाफ क्या एक्शन लेता है।